हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप जानेंगे वॉशिंग मशीन का ए टू जेड प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। आपको मैं इस वीडियो में हर वो सेक्शन का बताऊंगा कि वो सेक्शन किस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ठीक है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम दिखता है तो जो प्रॉब्लम के अनुसार आप पता कर पाएँ कि ये प्रॉब्लम किस सेक्शन से आ रहा है और आपको कहाँ रिपेयर करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला प्रॉब्लम वॉशिंग मशीन में आता है, सेमी वॉशिंग मशीन या फुली वॉशिंग मशीन हो, चूहा क्या करता है, तार कट कर देता है। ठीक है, तार जो कट करता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सेम कलर का तार लगाना होता है। जैसे, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चूहा जो है ये तार कट किया है। ठीक है, हल्का सा कट किया लेकिन कनेक्ट है, तो आपको इसको काट के इसी कलर में जोड़ देना है। ठीक है, कलर पर ध्यान देना है। अगर ये वाला काटा होता तो रेड को रेड में जोड़ते हैं। ठीक है, बस इतने सारे तार हैं, आपको इसी चीज़ को ध्यान देना है। मानते हैं ये वाइट कटा हुआ है तो आपको सेम कलर में मिला देना है, आपका प्रॉब्लम एक तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम देखिए, दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि ये सब देखिए, आपका ड्रेन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ड्रेन देखिए, ये ड्रेन का देखिए, ड्रेन जब तक यहाँ पानी जमा होता है और जब तक ये ऊपर उठेगा नहीं, ठीक है, तब तक पानी जो है आउट नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए ये जो नायलन थ्रेड है ये आके यहाँ जुड़ा रहता है, यहाँ ड्रेन में जुड़ा रहता है। ठीक है, मैं इसे खोल के आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ से आपको स्क्रू रिमूव करना होगा। दो स्क्रू पे टिका होता है ये, एक स्क्रू यहाँ, ठीक है, और दूसरा बिल्कुल यहाँ। ठीक है, उसके बाद आप उसको ऐसे उठा के ऐसे कर सकते हैं। देखिए, अब वो थ्रेड जो है यहाँ से होते हुए यहाँ कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो ऐसे आप नॉब को घुमाइएगा, देखिए जैसे मैं इसे नॉब को ऐसे घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे तनाव हो रहा है। जैसे वो तनाव होगा तो ये क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा जो ड्रेन है। ठीक है, तनाव से ये जो बंद हो रहा है, खोल जाए इसको, वैक्यूम हटेगा और आपका क्या है, पानी जो है बाहर हो जाएगा। एक तो हो गया ड्रेन प्रॉब्लम के लिए आपको ये एक, तो दूसरा थ्रेड और तीसरा ये देखना। ये तो खराब नहीं होता है, बस क्या होता है, धागा टूट जाता है पहला चीज। दूसरा क्या होता है, स्पिन। अगर स्पिन नहीं हो रहा है, ठीक है, स्पिन अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए भी एक थ्रेड दिया होता है। ठीक है, ये ब्रेक है। ठीक है, ब्रेक अगर ये कट जाएगा तो भी स्पिन नहीं होगा। और देखिए, ठीक है, ये कट जाने पर क्या होता है, ब्रेक लग जाता है। जैसे आप उठाएंगे तो ब्रेक रिलीज हो जाएगा, उसके बाद जो है जो ड्रायर है वो घूमने लगेगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए ये कहाँ लगा होता है, ये आपको इसी होल से गुजरते हुए, मतलब यहाँ से आता है और वो यहाँ लगा हुआ होता है इसके डोर में। देखिए यहाँ, जैसे आप खोलेंगे तो कि तनाव जो है ख़त्म होगा, जिसके चलते ब्रेक लग जाएगा। और जैसे इसको आप उठाएंगे, देखिएगा आप, ये थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब ये ऊपर आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ब्रेक रिलीज हो गया। अब ब्रेक नहीं लगा हुआ, जब ब्रेक नहीं लगा होगा तो आपका जो ड्रायर है वो काफ़ी अच्छी स्पीड में घूमेगा, ताकि जो कपड़ा में जो भी पानी है उसको बाहर फेंक सके। ठीक है दोस्तों, तो एक तो वो प्रॉब्लम हो गया, आपको ब्रेक का ध्यान देना है, ड्रायर नहीं घूमना तो ब्रेक भी ध्यान देना है। दूसरा, साथ ही साथ क्या होता है, मोटर। दूसरा क्या होता है, ड्रायर के लिए एक मोटर यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ड्रायर वाले जो मोटर है इसमें हमिंग साउंड आ रही है और ये नहीं घूम रहा है। ठीक है, तो आपको मोटर बदलना पड़ेगा। कैपेसिटर भी इसमें लगा होता है, ठीक है, कैपेसिटर, लेकिन ये कैपेसिटर जल्दी ख़राब नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कैपेसिटर आप देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये समझिए कि दो कैपेसिटर इसमें एक में है, दोनों मोटर के लिए उसी से कनेक्शन निकलता है। तो ये हो गया, उसके बाद यहाँ आइए, ये हो गया कपड़ा जो वाश करने वाला टब है उसके लिए। ठीक है, ये मोटर हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आपका मोटर घूम रहा होता है लेकिन गियर बॉक्स, यहाँ देखिए ये जो दिख रहा है आपको गियर बॉक्स, ठीक है, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये जो गियर बॉक्स है ये घूमेगा, मोटर घूमेगा लेकिन गियर बॉक्स नहीं घूम पाएगा। इस तब क्या होता है, जब बेल्ट ये ढीला हो जाता है उस परिस्थिति में आपको ऐसा होता है, तो उस परिस्थिति में आपको बेल्ट चेंज करना है। लेकिन अगर आपका ये घूम रहा है, मतलब ठीक है, ये मोटर घूम रहा है, उसके साथ साथ ये गियर बॉक्स का भी व्हील घूम रहा है, और ऊपर आप जब कपड़ा डाल रहे हैं, कपड़ा वाश करने के लिए जो टब में जो व्हील होता है वो नहीं घूम रहा है, इस तरह घूमेगा, लेकिन जैसे आप कपड़ा डालेंगे एक दो कपड़ा, उस पर घूमना बंद कर देगा, लेकिन ये घूमेगा और मोटर चलने की आवाज़ आएगी। उस परिस्थिति में आपको क्या करना होता है, गियर बॉक्स को चेंज करना होता है। ठीक है दोस्तों, गियर बॉक्स का पिनियन जो है स्लिप हो जाता है, उसके कारण ऐसा होता है। तो ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको ये स्विच जो टाइमर स्विच, बहुत रेयर गड़बड़ होता है। ठीक है, बहुत रेयर गड़बड़ होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है ये स्विच कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है, कभी कभी आप अपने से पावर ऑफ हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये स्विच बदलना होगा। और अगर आपका जो मशीन है वो बजर नहीं दे रहा है, ठीक है, तो बजर के लिए ये बजर लगा हुआ है। ठीक है, ये बजर बदलना होगा आपको।
ठीक है दोस्तों। और देखिए एक सब चीज़ हो चुका है, एक चीज़ और है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो व्हील है, ठीक है, ये व्हील स्लिप हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, गियर बॉक्स ठीक होता है लेकिन ये व्हील स्लिप कर जाता है। तो आप यहाँ से इसको खोल के, ठीक है, खोल के आप व्हील का जो पिनियन भी देख सकते हैं, वो स्लिप। जब आप गियर बॉक्स खोलने के लिए खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा वो स्लिप है या नहीं। वो जनरली ख़राब नहीं होता, ज़्यादातर केसेस में बेल्ट और गियर बॉक्स ही ख़राब होता है। तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अगले वीडियो में मैं दोस्तों बताऊँगा कि जो थ्रेड होता है ड्रेन के लिए, जो थ्रेड होता है वो, और ब्रेक के लिए जो थ्रेड है वो कैसे आप बदलें। ठीक है दोस्तों, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन या सुझाव हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप प्रॉब्लम देखने के बाद ये फाइंड करने में सक्षम हो पाएंगे कि किस सेक्शन से प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।